कंगना रनौत अपने बयानों के कारण चर्चा में बनी रहती हैं। मंडी से सांसद बनने के बाद उन्होंने हर विषय पर और ज्यादा तीखे बयान देने शुरू कर दिए हैं। अब उनका एक ट्वीट फिर चर्चा में है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुस्लिमों के मुहर्रम के मातम की एक क्लिप रिपोस्ट की है। साथ में कुछ ऐसा लिखा है जो हिंट दे रहा है कि हिंदुओं को भी इस तरह के युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। कंगना के ट्वीट पर लोगों की तरह तरह के रिएक्शन दिख रहे हैं। कुछ लिख रहे हैं कि मुस्लिमों का ये मातम डरावना है, तो कुछ लिख रहे हैं कि कंगना हिंदुओं को उकसा रही हैं, तो कुछ उन्हें याद दिला रहे हैं कि अब वो सांसद हैं और ऐसे ट्वीट उन्हें नहीं करने चाहिए। सबसे पहले आप वो ट्वीट देखिए जो कंगना ने किया। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ये अजीब है और डरावना है, लेकिन इस तरह की दुनिया में सर्वाइव करने के लिए क्या हिंदू पुरुषों को भी इस तरह के संग्राम की जरूरी ट्रेनिंग करनी चाहिए? माहौल देखते हुए खून गर्म करने में कोई दिक्कत भी नहीं है, है क्या? बता दें कि क्लिप में कुछ लोग सिर पर तलवार मारते दिख रहे हैं। लोगों का सिर और कपड़े खून से लथपथ हैं। यूजर ने किया पुलिस को टैग। कंगना के पोस्ट पर कई सारे रिएक्शन दिख रहे हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने हिमाचल पुलिस को टैग करते हुए लिखा है, ये महिला हिंदुओं को उकसा रही है और उन्हें खून गर्म रखने और हिंसक होने के लिए कह रही है। एक और ने लिखा, ये वाकई अच्छा नहीं है, लेकिन उन्हें इस्लाम में ऐसा करना पड़ता है। एक ने लिखा, वाकई दुखी करने वाला और डरावना व्यू है। ट्विटर पर यूजर कर रहे हैं आलोचना। ट्विटर पर हर तरह के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। कई ट्विटर यूजर ने कंगना के इस पोस्ट की आलोचना की और उन्हें अब इस तरह के पोस्ट ना करने की नसीहत दी। राहुल शर्मा नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, अब आप एक सांसद हैं, मैडम मुझे लगता है आप अच्छा कर रही हैं, प्लीज इस तरह के ट्वीट आईटी सेल पर छोड़ दीजिए। एक और ट्विटर यूजर ने लिखा, कोई सहमत हो या ना हो, वे अपने धर्म का पालन कर रहे हैं और इसे उन्हें कोई नहीं रोक सकता, अपना खून गर्म रखो से क्या मतलब है। वहीं एक अन्य ट्विटर यूजर ने लिखा, खून गर्म रखो, ये एक सांसद के शब्द हैं जिसने संविधान की शपथ ली है। ईसाई धर्म को लेकर भी दिया था बयान। दरअसल हाल ही में कंगना ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर ओलंपिक की सेरेमनी की कुछ तस्वीरें शेयर की और बताया कि इसमें उसे क्या अच्छा नहीं लगा। कंगना ने सेरेमनी के तमाम इवेंट्स में से एक द लस्ट सपर एक्ट के फोटो और वीडियो शेयर किए। उन्होंने इस एक्ट में एक बच्चे को शामिल किए जाने पर आपत्ति जताई थी। सांसद कंगना ने लिखा, पेरिस ओलंपिक ने अपने हाइपर सेक्सुअलाइज एक्ट द लस्ट सफर में बच्चे को शामिल किया। इतना ही नहीं, उन्होंने बिना कपड़ों के एक व्यक्ति को दिखाया जिस पर नीले रंग का पेंट है और वो जीसस है। उन्होंने ईसाई धर्म का मजाक बनाया है। वामपंथियों ने 2024 ओलंपिक को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है।